तो वहीं गुरुग्राम में चुनाव को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में 225 अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों को लगाया गया है। लगभग 60,000 फोर्स की तैनाती की गई है। 11,000 एसपीओ भी शामिल किए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला में सबसे ज्यादा कैश रिकवर किए गए हैं। पूरे प्रदेश से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई है। उन्होंने नूह एरिया को अति संवेदनशील बताया। उन्होंने बताया कि नूह में 13 पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। डीजीपी ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। पांच तारीख को हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं एक्स सर्विसमैन उनकी भी तैनाती की गई है और इंटरस्टेट नाके हैं 218 और विद इन द स्टेट ऑल्सो 13 नाकाज। इसी तरीके से जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज़्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं, तो ये 500 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड हैं और 462 हमारी स्टेटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं और कुछ क्विक रिएक्शन टीम्स भी हैं उसके अलावा। तो ये सारी व्यवस्था इलेक्शंस को